देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक 16 और 17 जनवरी को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होगी। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के लगभग 350 नेता इस बैठक में शरीक होंगे। 17 जनवरी को पीएम मोदी के भाषण के साथ बैठक का समापन होगा। इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। सोमवार दोपहर 4 बजे दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक शुरू होगी। बैठक की शुरुआत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भाषण से होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। मुमकिन है कि जेपी नड्डा को लोकसभा चुनाव तक विस्तार दिया जाए। हालांकि इस पर अंतिम फैसला पीएम मोदी ही लेंगे। नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है और संगठन चुनाव ना होने के कारण उन्हें अगले लोकसभा चुनाव तक अध्यक्ष बने रहने को कहा जा सकता है। कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक आर्थिक प्रस्तावों के अलावा G20 सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रमों और उनमें बीजेपी सांसदों, विधायकों एवं कार्यकर्ताओं की भागीदारी पर चर्चा होगी। हो सकता है कि G20 से संबंधित एक प्रस्ताव भी पारित हो। इसके अलावा कई अहम प्रस्तावों पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाषण दे सकते हैं। इसके अलावा संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी, जिनमें लोकसभा की 160 कमजोर सीटों पर प्रस्तावकों की तैनाती संबंधित प्रगति पर चर्चा भी शामिल है। कार्यकारिणी की बैठक में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा होगी। इससे पहले राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक पिछले साल हैदराबाद में हुई थी। तब से अब तक की संगठन गतिविधियों का जायजा भी लिया जाएगा। आने वाले समय में होने वाले संगठन संबंधित कार्यक्रमों और गतिविधियों की तैयारियों पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज, रायपुर।